आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे घर में रोज़ाना बनने वाली चटपटी चना दाल चाट, स्वाद से भरपूर और विटामिन, प्रोटीन, पोटाशियम, आयरन और कॉपर इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो चलिए ये हेल्दी चना दाल चाट बनाना शुरू करते हैं। चना दाल चाट बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप चना दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और हमारी दाल भी फूल गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भीगे हुए चना या चने की दाल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और इसे रोज़ाना खाने से हमारे शरीर में कमज़ोरी दूर होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। मैंने लिया है खीरा, जिसे बारीक कट कर लिया है। खीरा में भरपूर मिकदार में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम और कॉपर होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो खीरा हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने लिया है एक टमाटर, जिसे बारीक कट कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, टमाटर से खून बनता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्किन हेल्दी रहती है, और टमाटर में फाइबर भरपूर मिकदार में होता है। और मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बारीक कट किया है। कच्चे प्याज में विटामिन सी होता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए आप खाने में कच्चा प्याज ज़रूर शामिल करें। अब मैं अपने चने दाल को चटपटा और तीखा बनाने के लिए ली हूँ एक हरी मिर्च, इसे मैं बीच से फाड़ के बारीक कट कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काला नमक। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास गाजर हो या कच्ची कैरी या आम हो तो आप उसे डालें, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर यही 3-4 चीज़ें डालते हैं। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी चटपटी चना दाल चाट बनकर तैयार है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खाएं या इफ्तारी में खाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट है, हमारे यहाँ रोज़ ये चना दाल चाट तो ज़रूर बनता है। आप भी इसे ट्राई करें। अगर आपको चटपटी चना दाल की चाट पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कच्चे चने दाल की चाट पसंद है या पके हुए चने की दाल की चाट पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी रेसिपी के साथ।